दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय, हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं शिशिर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ और लीडरशिप कोच, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक सेलिब्रिटी और सुपरस्टार आर्टिस्ट जो कि 500 साल पहले होके गए हैं, उनके बारे में बात करूँगा। दोस्तों, ये बड़ा अजीब लगता है, जैसे ही हम सेलिब्रिटी और सुपरस्टार की बात करते हैं तो जो हमारे मन में, जहन में जो पहली चीज़ आती है वो है फेमस एक्टर, एक्ट्रेसेस और उनके रोल्स। लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं था दोस्तों, एक वो दौर भी था, एक वो वक्त भी था कि जब आर्टिस्ट, पेंटर, स्कल्प्टर, सेलिब्रिटी और सुपरस्टार हुआ करते थे और उन्होंने कई खूबसूरत चीज़ें बना के दुनिया को बदला है। उनमें से एक आर्टिस्ट दोस्तों हमेशा कहा करते थे कि द क्रिएटर क्रिएट्स एंड गो बट हिज वर्क रिमेंस फॉर एवर। ये मैं बात कर रहा हूँ 1475 में कैपरेसी में, जो कि फ्लोरेंस आज इटली में है, उसमें जन्मे सेलिब्रिटी और सुपरस्टार आर्टिस्ट की, जो एक मास्टर स्कल्प्टर, मूर्तिकार, मास्टर पेंटर, चित्रकार, मास्टर आर्किटेक्ट और पोएट। ही वॉज अ ट्रू जीनियस, सो ही वॉज अ ट्रू जीनियस। आज भी द फेमस आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स के उसमें उनका नंबर टॉप पे आता है। दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में कई चीज़ें बनाई, कई कलाकृतियाँ बनाई जिन्हें आर्ट वंडर्स कहा जाता है। वॉट एवर ही मेड इज कॉल्ड एज आर्ट वंडर्स। और उनमें से कई जो आज भी जीवित है वो हैं स्टैचू ऑफ पिएटा, स्टैचू ऑफ डेविड, फ्रेस्को पेंटिंग ऑन द सीलिंग ऑफ सिस्टीन चैपल एंड डोम ऑफ सेंट पीटर्स। दोस्तों, उनके द्वारा जो बनाई गई, जब भी वो बनाते थे कुछ और जब लोग उसे देखते थे पहली बार तो विश्वास नहीं होता था कि कोई इंसान अपने हाथों से ही बना सकता है। इसीलिए उनको अपने वक्त में ही उन्हें डिवाइन कहा जाता था, द डिवाइन। चाहे उनमें दोस्तों अपनी एज अ ह्यूमन ही उनमें अपनी कमियां थी, उनमें अपनी इनसिक्योरिटीज थी, फियर था, अपनी सनक थी, पर अपने काम के लिए वो डिवाइन कहा जाते थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माइकल एंजलो दी लुद्विको बोनारोटी साइमोनी, जिसे हम माइकल एंजलो कहते हैं। सवाल ये उठता है कि एक जो आर्टिस्ट है 500 साल पहले जो होके गए हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ। वो कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन एंड लर्निंग कैन कम फ्रॉम वेरियस यूनिक प्लेसेस एंड स्ट्रेंज प्लेसेस, ओनली वी नीड टू हैव दैट आई, एक नज़रिया होना चाहिए। इस वीडियो में मैं उनके द्वारा बनाई गई तीन कलाकृति और तीन आर्ट वंडर्स, जो कि स्टैचू ऑफ पिएटा, स्टैचू ऑफ डेविड और फ्रेस्को पेंटिंग ऑन सिस्टीन चैपल के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, ये इनकी बात करने से पहले ये आपको मैं बता दूँ, इससे शायद आपको इसकी अहमियत पता चले कि ये तीनों कलाकृतियाँ, ये तीनों क्रिएशन जो माइकल एंजलो के हैं, उन्हें देखने के लिए आज के दिन 6 to 7 million विजिटर्स आते हैं, जो कि ताजमहल को देखने आने वाले विजिटर्स से थोड़ा ही कम है। इससे आपको शायद इसकी अहमियत का अंदाजा होगा जो मैं कह रहा हूँ। दोस्तों, फर्स्ट है स्टैचू ऑफ पिएटा। अगर हम माइकल एंजलो को अगर मैं सेलिब्रिटी और सुपरस्टार कह रहा हूँ तो उनका पहला फेमस रोल था स्टैचू ऑफ पिएटा। माइकल एंजलो केवल 24 साल के थे, उनके बहुत कम अनुभव था और उनको जब ये प्रोजेक्ट दिया गया तो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है, जेडी जो बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत सिंपल था। उन्हें कहा गया था कि उन्हें रोम में सबसे खूबसूरत मार्बल प्रतिमा उनको बनानी है। ही हैज़ टू क्रिएट द मोस्ट ब्यूटिफुल मार्बल स्टैचू इन रोम। एंड दोस्तों, ही एक्चुअली डिड इट, ही जस्टिफाइड इट। स्टैचू ऑफ पिएटा, द पिएटा को इंग्लिश में द पिटी कहा जाता है, हिंदी में उसे दया कहते हैं। स्टैचू ऑफ पिएटा तो बहुत ही मार्मिक क्षणों को दिखाती है, जो कि वर्जिन मैरी जब अपने बेटे जीसस की डेड बॉडी को क्रॉस से उतार कर अपने गोद में रखे हुए हैं और उसे देख रही है। इसकी खासियत, इसके रॉ इमोशंस, फीलिंग्स तो है ही हैं। उसके अलावा एक और खासियत है कि अगर हम वर्जिन मैरी के कपड़ों को देखेंगे, ऊपर से सिर से पांव तक, फ्रॉम हेड टू टो, उसमें जो फोल्ड्स, क्रीजेस, प्लीट्स, ड्रेप्स दिखाई देगी, वो आपको एक बार आप अगर देखेंगे तो आपको अनुभव होगा, आपको एहसास होगा कि ये शायद फैब्रिक और क्लॉथ में बनाई गई है। पर दोस्तों, यही इसकी खासियत है, ये मार्बल में ही बनाया गया है। कहने के लिए बहुत आसान लगता है, बट अगर हम इस चीज़ को समझें कि मार्बल को अगर एक बार हमने गलत चिप कर दिया तो यू कैन नॉट पुट इट बैक। सो दैट इज द रीज़न इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वंडर पीसेज इन अ वे। स्टैचू ऑफ पिएटा की एक रोचक घटना मैं बताना चाहूँगा, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, कि ये माइकल एंजलो का पहला और आखिरी काम है जिसपे उन्होंने साइन किया था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, माइकल एंजलो एक्चुअली साइंड दिस स्टैचू। इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक फैसिनेटिंग कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। माइकल एंजलो, दोस्तों मैंने जैसे कहा, बहुत कम अनुभव था, ये उनका पहला बड़ा काम था, केवल 24 साल के थे जब इसे बनाया गया और जहाँ रखा गया था। माइकल एंजलो की इच्छा थी कि वो फीडबैक, लोगों का फीडबैक ले सके, लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं उसके बारे में, तो वो वहाँ जाया करते थे जहाँ मूर्ति को रखा गया था।
ताकि वो सुन सके कि लोग क्या कह रहे हैं और अपने आप में सुधार ला सके। ऐसे ही एक बार कुछ विजिटर्स लोम्बार्डी जो कि इटली में है आए हुए थे और आपस में बात कर रहे थे, काफी तारीफ कर रहे थे इस मूर्ति की। अचानक एक विजिटर ने दूसरे विजिटर से पूछा कि ये किसने बनाया है। दूसरे विजिटर ने ये कहा, बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये कहा कि मिलान का एक आर्टिस्ट है, उसने इसे बनाया है। दोस्तों ये सिर्फ सुनना था कि माइकलएंजेलो के पांव तले जमीन खिसक गई, उन्हें जोर का झटका धीरे लगा और तब उन्हें एहसास हुआ कि ना उन्हें कोई जानता है ना कोई पहचानता है। और इसी जोशो जुनून में दोस्तों उन्होंने एक अजीबोगरीब काम किया। एक रात एक हाथ में कैंडल लिए और एक हाथ में चिजल जिसे छेनी कहते हैं, वो उस जगह गए जहाँ इस मूर्ति को रखा गया था और उन्होंने रात भर में उसी मूर्ति पे माइकलएंजेलो बोनारोटी फ्लोरेंस मेड दिस, माइकलएंजेलो बोनारोटी फ्लोरेंस ने इसे बनाया है, मार्बल के टुकड़े में उसे बनाया जो आज भी मौजूद है। सो माइकलएंजेलो को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वादा किया कि उसके बाद वो कभी नहीं करेंगे और उन्होंने अपना वादा निभाया, ही नेवर डिड इट अगेन। मैं दोस्तों ये कह सकता हूँ कि ये प्रोफेशनल ब्रांडिंग का ये शायद पहला एग्जाम्पल होगा। एक और बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना इसके साथ हुई है जो कि 1972 में हुई है इस स्टैचू के साथ। वो ये था कि एक अनएम्प्लॉयड बेरोजगार जियोलॉजिस्ट जिसे हम भू वैज्ञानिक कहते हैं, लेजलो टॉथ, वो हथौड़ा लेके 12 या 15 उन्होंने हथौड़े से वार करते हुए इस मूर्ति को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें वर्जिन मैरी के दाएं हाथ को पूरा ही तोड़ दिया, उनके गाल पे नाक पे आँख पे चोट पहुंची और उन्हें पकड़ लिया गया और उसके बाद मुकदमा चला, उन्हें 2 साल के लिए मेंटल हॉस्पिटल लेजलोटुथ को भेज दिया गया। और तो इसकी रिपेयर रेस्टोरेशन और मरम्मत के लिए पूरे 10 महीने लगे, जहाँ पे 100 छोटे छोटे टुकड़े जो टूट के गिरे थे, जिनमें नाखून जितने छोटे टुकड़े भी थे, उन्हें इनविजिबल ग्लू और मार्बल डस्ट से वापस जोड़ा गया। आज दोस्तों उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी के हिसाब से इस मूर्ति के आगे बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया गया है ताकि वो सेफ रहे। जो सेकेंड जो क्रिएशन की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है स्टैचू ऑफ डेविड। दोस्तों स्टैचू ऑफ डेविड के बारे में एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने एक और वीडियो बनाया है इस पर, वो देखना नहीं भूली। अगर आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। स्टैचू ऑफ डेविड एक इट्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट मेड बाय अ पेयर ऑफ ह्यूमन हैंड, इंसानी हाथों द्वारा बनाया गया एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ों में से एक मानी जाती है, जिसे संगमरमर का चमत्कार मार्बल ऑफ मार्बल भी बोला जाता है। ये 17 फीट ऊंची एक मार्बल की प्रतिमा है, मार्बल की मूर्ति है जो कि बाइबल के हीरो डेविड की है और इसका वजन लगभग 6 टन के करीब है। और इसकी एक और खासियत ये दोस्तों कि एक ही मार्बल ब्लॉक से, एक ही मार्बल के टुकड़े से बनाई गई है। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वो दूसरे वीडियो में, लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा इस वीडियो में, माइकलएंजेलो केवल 26 साल के थे जब इन्होंने इस पर काम शुरू किया था और एक मार्बल का टुकड़ा जो उन्हें दिया गया था, जो उन्होंने खुद सिलेक्ट नहीं किया था। और तो इसकी एक और बात ये थी कि दो काफ़ी रेप्यूटेड और टैलेंटेड आर्टिस्टों ने इस मार्बल के टुकड़े को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि इसमें कमियां हैं और खामियां हैं, जिसे वो टिवोली कहते थे। माइकलएंजेलो केवल 26 साल के थे, ये जानते हुए भी कि सच्चाई क्या है, उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया, इस चुनौती को स्वीकार किया और 2.5 से 3 साल नॉनस्टॉप उन्होंने काम किया, जिसमें उनकी कड़ी मेहनत जो है वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। कहते हैं कि वो दिन और रात, रात और दिन काम किया करते थे, और क्या रात क्या दिन, बहुत कम खाना बहुत कम सोना, और जब सोते भी थे तो कहते हैं कि अपने जूते और कोट पहन के सोया करते थे ताकि वो जब जागे तो वो काम शुरू कर सके वक्त बिना वक्त बर्बाद किए। फाइनली दोस्तों 2.5 से 3 साल बाद उन्होंने इसे बन के तैयार किया और जब लोगों ने देखा तो दे कांट बिलीव देयर आइज कि इतनी खूबसूरत प्रतिमा, इतनी परफेक्ट स्टैचू कोई कैसे बना सकता है। तो इसकी जो एक और खासियत है, तो अगर आप दूर से देखेंगे स्टैचू ऑफ डेविड को तो ये बहुत अद्भुत है ही है, लेकिन इसकी असली खासियत, इसकी असली खूबसूरती है, इसे अगर आप पास से निहारेंगे, पास से देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि माइकलएंजेलो का जो पैशन था ह्यूमन एनाटॉमी का और इंसानी शरीर का, जो उनको गहरा ज्ञान था, वो आपको क्लियरली दिखाई देगा। वो डॉक्टर नहीं थे ये बताना जरूरी है, तो और इसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि उनको ये नॉलेज कहाँ से आई थी, वो मैं और वीडियो में कवर करूँगा। माइकलएंजेलो का अटेंशन टू डिटेल इज लेजेंडरी। अगर आप इस मूर्ति में देखेंगे तो आपको मसल्स, बोन्स, टेंडेंस, नर्व्स, वेन्स क्लियरली दिखाई देगी मार्बल के टुकड़े में दोस्तों। हाँ जी, जैसे कि डेविड के दाएं हाथों का नसों का अखबार और उसमें टेंशन, उनके दाएं पाँव का मसल्स की फ्लेक्सिंग,
उनकी गर्दन की मांसपेशियों का तनाव और टेंशन और उनके माथे और नाक के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको क्लियरली दोस्तों दिखाई देगा और ये मार्बल में ही बनाया गया है. दैट मेक्स इट वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल. तीसरी जो आर्टवर्क और क्रिएशन की बात करने जा रहा हूँ वो है फ्रेस्को पेंटिंग ऑन द सीलिंग ऑफ सिस्टीन चैपल. 1503 की बात है, जूलियस टू पोप बने. वो अपने स्वभाव के कारण फियरसम और वॉरियर पोप कहे जाते थे और उनकी ये इच्छा थी कि जो सिस्टीन चैपल की छत है उस पर फ्रेस्को पेंटिंग बनाई जाए. सिस्टीन चैपल वो जगह है जहाँ आज भी पोप का चुनाव होता है, पोप सिलेक्ट किए जाते हैं, नए पोप सिलेक्ट किए जाते हैं और उसी कैंपस में है जहाँ पे पोप रहते हैं. ये बहुत आसान नहीं था. पोप जूलियस जानते थे कि ये बहुत चुनौती भरा है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगा और वो चाहते थे कि कोई ऐसा आर्टिस्ट करे जो बहुत काबिल हो. और उनके नज़र में माइकलएंजेलो था. उन्होंने माइकलएंजेलो को बुलाया और कहा कि ये आपको प्रोजेक्ट लेना है. माइकलएंजेलो ने सीधे सीधे नहा कहा. उनका ये कहना था कि वो मूर्तिकार हैं, वो स्कल्प्टर हैं, वो चित्रकार नहीं है, वो पेंटर नहीं है. उनका पहला प्यार मूर्ति बनाना है, ना कि पेंटिंग करना है. और ये भी सच था कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी लिया नहीं था. बट दोस्तों, जैसे मैंने कहा, फियरसम और वॉरियर पोप कहा जाता था उनको, ना करना बड़ा मुश्किल था. फाइनली माइकलएंजेलो को हथियार डालने पड़े और मानना पड़ा और इस प्रोजेक्ट को उन्होंने शुरू किया. दोस्तों, जैसे माइकलएंजेलो की आदत थी, या तो वो काम लेते नहीं थे और जब वो प्रोजेक्ट लेते थे तो उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखते थे. फिर वो अपनी जी जान, ही यूज़ टू गिव हिज बेस्ट 110% ऑलवेज. इस केस में भी दोस्तों यही हुआ. जूलियस चाहते थे, पोप जूलियस ने कहा कि भाई आप खाली 12 अपोसल्स, तो वो 12 फॉलोअर्स हैं जीसस के, जिनको अपोसल्स कहा जाता है. पोप जूलियस का मानना था कि वो खाली 12 अपोसल्स की पेंटिंग जो है वो बना दें सीलिंग पे तो काफ़ी होगा. पर माइकलएंजेलो ने कहा कि वो, जब उन्होंने अब ये स्वीकार किया है प्रोजेक्ट, वो अब अपने हिसाब से काम करेंगे. जेनेसिस के 9 सीन्स बनाए, जिसमें से 3 है क्रिएशन ऑफ गॉड, 3 आदम एंड ईव और 3 नोहास. वो बनाए जिसमें उन्होंने दोस्तों बिना रिपीट करते हुए 300 इमेजेस बनाई हैं. और अगर मैं आपको एरिया बताऊं, जो छत पे जो एरिया था जिस पे उन्होंने पेंटिंग की, ऑलमोस्ट जो टेनिस कोर्ट होता है उसका 2 गुना एरिया था दोस्तों. आप समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट रहा होगा. एक क्रिएशन ऑफ गॉड जो है, जो इंडिया ने भी उस पे एक पोस्टल स्टैम्प निकाला है, शायद आपने कई बार उसे देखा भी होगा. जब ये बनके तैयार हुआ 1508 में उन्होंने चालू किया था और 4 साल नॉनस्टॉप मेहनत की है उन्होंने इस पे. 1512 में जब ये बनके तैयार हुआ और आम जनता के लिए खोला गया तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि कोई एक इंसान इतना ऊंचाई पे और 4 सालों में कुछ ऐसी चीज़ बना सकता है. बहुत मुश्किल था उन्हें मानना कि किसी एक इंसान ने ये काम किया है. आज के वीडियो में बस इतना ही. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अ बिग थैंक यू. दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें. वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताइए. मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा.